हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024। जो बच्चे मतलब डाउट में हैं कि आपका 2024 एम्स करवाएगा या नीट के स्कोर के थ्रू होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। और अगर किसी को मतलब 2024 की प्रिपरेशन करनी है, अगर उनको गाइडेंस चाहिए, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। और वहाँ पर आपको आईडी और नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कि नीट 2024 आपका मई में होगा बेसिकली, एंड इस बार एम्स चाहता तो करा सकता था, बट आपका 21 से स्टार्ट हुआ था, जब आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे कई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेजेस आपके क्या कर रहे थे, एडमिशन ले रहे थे बीएससी नर्सिंग में। बट एम्स का 3 साल हो चुके हैं, ये 3 सालों में एम्स ने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एम्स के पास पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं, एमएससी के कोर्सेज भी हैं, फिर पोस्ट बेसिक करानी है, तो उन सब का एंट्रेंस एम्स लेता है। और इनका एंट्रेंस एम्स मतलब साथ साथ में लेता है, साथ साथ इन द सेंस कि अभी जून में ही हुए हैं आपके एग्ज़ाम। और नीट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं आ रखा कि पैरामेडिकल के लिए भी एडमिशन नीट के स्कोर के थ्रू होगा। अगर ऐसा क्राइटेरिया आता है तब एम्स स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2019 में एम्स ने अपना एमबीबीएस भी नीट के स्कोर के थ्रू कर दिया था, बट पैरामेडिकल का अभी तक ऐसा कुछ नहीं आ रखा। तो एम्स अलग से कंडक्ट नहीं करवाएगा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, क्योंकि आपका पैरामेडिकल के भी एग्ज़ाम उसी के साथ में कंडक्ट होते हैं, और फिर आपके एमएससी के भी एग्ज़ाम वहीं पर कंडक्ट होते हैं। तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टू या 2021-2022 तो लास्ट टू ईयर भी वो करा सकता था, बट नहीं कराया। इसका यही रीज़न है कि आपके एम्स के पास पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं। तो जो बच्चे डाउट में है कि 2024 में एम्स नीट के स्कोर के थ्रू एडमिशन लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एंड अगर आप प्रिपरेशन लेवल अपनी शुरू से नीट लेवल की रखते हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी एडमिशन लेने में। एंड जिन बच्चों को डाउट है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ।